दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने स्कूल और क्लास में सबसे सेक्सी दिखना तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों यकीन मानिए, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपसे ज्यादा स्टाइलिश और सेक्सी पूरी क्लास के पूरे स्कूल में कोई नहीं होगा। आपको बस इन कुछ टिप्स को फॉलो करना है। मेरा नाम है विपिन पवार, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें कपड़ों की फिटिंग के बारे में। दोस्तों आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो आपकी शर्ट की स्लीव होती है उसकी लेंथ आपकी वेस्ट तक होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग स्लीव शर्ट्स बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है। और अगर आपने लॉन्ग स्लीव वाली शर्ट ले ही ली है तो आपको अपनी स्लीव को फोल्ड कर ही पहनना चाहिए। और साथ ही दोस्तों आपको एक अच्छे टेलर के पास जाकर अपनी शर्ट और पैंट दोनों की फिटिंग करानी चाहिए अच्छे से। साथ ही दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी पैंट को ज्यादा टाइट नहीं कराना है। बहुत से लड़के ऐसी गलती करते हैं, आपको इसको अवॉइड करना है। दोस्तों आपको हमेशा अपनी पैंट स्लिम फिट करानी चाहिए, जो आपकी पैंट की लेंथ है वो आपके एंकल के हाफ तक आनी चाहिए। दोस्तों कुछ लड़के क्या करते हैं, वो एंकल से भी ऊपर पैंट को कटवा लेते हैं, जिससे उनका जो लुक होता है वो पूरा छपरी जैसा हो जाता है। इसलिए आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों अगर बात करें कॉलर के बारे में तो आपको अपने कॉलर को हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए। दोस्तों कॉलर खड़े नहीं करने, आपने देखा होगा जब आप कॉलर को फोल्ड करते हैं उसके थोड़ी देर बाद कॉलर फैल जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा अपने कॉलर पर आयरन करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आप अपने कॉलर को स्ट्रेट रखने के लिए उसमें डबल साइडेड टेप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर यूनिफॉर्म में टाई ही ना हो तो यूनिफॉर्म का कोई मतलब ही नहीं होता। दोस्तों लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक टाई को पहनने में ही करते हैं। दोस्तों उनको पता नहीं होता कि उनको अपनी टाई का एग्जैक्ट साइज क्या रखना है। वो टाई को या तो बहुत ज्यादा छोटा कर लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा लंबा कर लेते हैं। कोई तो टाई की लेंथ को इतना लंबा कर लेता है ना कि उनकी पैंट की जो जिप होती है वो भी उससे ढक जाती है। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है। दोस्तों जब भी आप टाई को पहने तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपकी टाई का एंड का पोर्शन होता है ना, वो आपके बेल्ट की मिडल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें ग्रूमिंग के बारे में तो दोस्तों ग्रूमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल लाइफ में। दोस्तों अगर आपकी पैची बियर्ड आती है स्कूल टाइम में तो आपको बिल्कुल क्लीन शेव रखना चाहिए, क्योंकि पैची बियर्ड के जो हल्के हल्के बाल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अजीब से लगते हैं, जैसे कहीं और के ही बाल हो। समझ रहे हो आप? दोस्तों इनको आपको क्लीन रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपकी बियर्ड बहुत अच्छे से आती है तो आपको वीकली अपनी बियर्ड को 2 नंबर की मशीन से सेट करना चाहिए। तो अब स्कूल में आते हैं वो बंदे जो अपने आपको बैड बॉय समझते हैं। वो क्या करते हैं, अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं, लेकिन इससे जो उनकी चेस्ट का जंगल दिखता है ना, ये देखकर लोग उन्हें अनिल कपूर ही समझते हैं। इसलिए दोस्तों आपको एवरी वीक अपनी चेस्ट के हेयर को भी क्लीन करना चाहिए। कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो शर्ट के नीचे राउंड नेक की टी शर्ट्स पहन लेते हैं, क्योंकि शर्ट के अंदर से बिल्कुल साफ दिखाई देती है। अक्सर लोग सर्दियों में करते हैं। तो आपको शर्ट के नीचे राउंड नेक की टी शर्ट बिल्कुल भी नहीं पहननी है। अगर आपको टी शर्ट पहननी भी है ना तो आप वी नेक की टी शर्ट्स पहन सकते हैं, क्योंकि आपके शर्ट के बाहर से दिखेगी भी नहीं। दोस्तों जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है वो फॉर्मल होती है, इसलिए आपको उसकी शर्ट को हमेशा टक इन करके ही पहनना चाहिए। साथ ही दोस्तों जो आपको अपना हेयर स्टाइल है वो बहुत ही सिंपल रखना है। आप इन सब तरह के हेयर स्टाइल्स रख सकते हैं, बहुत ही मुश्किल से मैंने ढूंढे हैं। दोस्तों बात करते हैं अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट टिप के बारे में, वह चूज अ बेस्ट एसेसरीज। यहाँ दोस्तों जो एसेसरीज होती है ना वो आपके लुक में 4 चांद लगा देती है। तो आपको सिंपल एंड फिटेड वॉच पहननी चाहिए, जो कि आपके रिस्ट पर अच्छे से फिटेड हो। तो दोस्तों आपको ब्लैक और ब्राउन कलर का लेदर बैग लेना चाहिए। तो वो वाला जमाना चला गया जब बेन 10 और डोरेमोन वाले बैग चलते थे। तो लेदर बैग थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, पर ये बहुत ज्यादा टिकाऊ होते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी होते हैं। दोस्तों उस बैग के अंदर होना चाहिए एक पॉकेट परफ्यूम, जिसे लगाने के बाद सभी आपके पास दौड़े चले आए। इतना डीप में मत जाओ, इससे आपकी बॉडी की स्मेल खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपको अपनी जेब में हमेशा रखना चाहिए एक हैंकी, क्योंकि जब भी आप टॉयलेट से आए या फिर अपना मुंह धोए तो आप उसे अपनी शर्ट से ना पोंछे, इससे आपकी शर्ट बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा एक हैंकी रखना चाहिए अपनी पॉकेट के अंदर। इससे आपका एक और फायदा है, आप अपनी क्रश को अपना हैंकी दे सकते हैं हाथ साफ करने के लिए। जो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो आपके शूज है। बहुत से लोग अपने शूज पर ध्यान नहीं देते, वो गंदे हो रहे हैं या फिर फटे हुए हैं। आपको कभी भी स्कूल में फटे हुए शूज और गंदे शूज नहीं पहनने चाहिए, आपको हमेशा पॉलिश करके ही अपने शूज को पहनना चाहिए। तो हमारी YouTube चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप भी अपने फैशन सेंस और लाइफ स्टाइल को सुधारना चाहते हैं तो हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।